हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। चलिए करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत और बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा पर। इंडस्ट्री की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान के साथ फिल्मों में डेब्यू किया और पर्दे पर जब सोनाक्षी और सलमान की प्यार भरी जोड़ी नजर आई, लोगों ने इस जोड़ी को काफी पसंद भी किया है। मतलब जब पर्दे पर सलमान खान नजर आए थे सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म दबंग में, लोगों ने इस जोड़ी को काफी अप्रिशिएट किया था। आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ दबंग, दबंग 2, दबंग 3, आप सब जानते हैं किस तरीके से सीरीज आगे बढ़ी है। लेकिन अब हम आपसे यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा की निजी जिंदगी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और निजी जिंदगी पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोनाक्षी सोहेल खान की पत्नी सीमा के जो भाई हैं बंटी सचदेवा, उनके साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। कान यहां से पकड़िए या घुमा के पकड़ते कान ही हैं, तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सोनाक्षी सलमान खान के परिवार का हिस्सा बनने जा रही हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पूरा खान परिवार जो है सोनाक्षी को ढेर सारा प्यार करता है, और सोनाक्षी अब इनडायरेक्टली जो इनके परिवार का हिस्सा बनेगी, पापा सलीम से लेकर खुद सलमान खान तक हर कोई काफ़ी खुश है। अब इस खुशी के बीच में सोनाक्षी का एक इंटरव्यू सामने आया है जहाँ सोनाक्षी प्यार, लव, हेट, ब्रेकअप, इन सब के बारे में बात करती है। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने शादी को साइडलाइन करते हुए, लव गुरु बनते हुए प्यार को लेकर दी है नौजवानों को क्या कुछ सीख, सुनिए जरा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड बंटी सचदेवा के साथ शादी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है सोनाक्षी जो सलमान खान के काफी ज्यादा करीब हैं, वो इनडायरेक्टली सलमान खान के घर की बहू भी बनने जा रही हैं। बस साल 2022 में सोनाक्षी सिन्हा और बंटी सचदेवा की शादी की शहनाई बजेगी, जिसके बाद सोनाक्षी परिवार के लिहाज से खान परिवार का हिस्सा भी बन जाएंगी। खैर, खान परिवार का हिस्सा बनना हमेशा से सोनाक्षी को काफी ज्यादा पसंद रहा है। फिल्म दबंग से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सोनाक्षी खान परिवार में सभी की फेवरेट है। तभी तो बंटी सचदेवा के साथ सोनाक्षी के रिलेशनशिप पर पूरा खान परिवार अपनी मंजूरी दे चुका है। खैर, सोनाक्षी खान परिवार की बहू बनने को लेकर तो सुर्खियां बटोर ही रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बात भी की है, और पास्ट रिलेशनशिप पर बात करके वो आज लोगों की लव गुरु बन गई हैं। सोनाक्षी ने बताया कि उनका पहला सीरियस रिलेशनशिप 5 साल चला और उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दबंग गर्ल ने अपने रिलेशनशिप को लेकर इतनी ओपनली बातें की हैं। उन्होंने कहा, स्कूल टाइम में भी मेरा रिलेशनशिप चला था, लेकिन वो सीरियस नहीं था, और बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप जल्दी हो गया। स्कूल के बाद मेरा सीरियस रिलेशनशिप रहा जो काफी लंबा चला। सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं, 20 साल की उम्र के बाद वो सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई। जब मैं स्कूल में थी उस वक्त मेरा एक प्यारा रिश्ता था, लेकिन ग्रेजुएशन में मैंने उनसे ओके बाय बोल दिया, और इसके बाद सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई। मुझे लगता है तब मैं 21 या 22 साल की रही होंगी जब मेरा फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ जो काफी लंबा चला, 5 साल से भी ज्यादा लंबा। ये जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में कुछ सीखें और आगे बढ़ जाएं। हर इंसान अलग होता है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है। इंसान को ऐसे आदमी को खोजना चाहिए जो आपको झेल सके। मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, मैं बहुत छोटी थी, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो सीखते जाते हो। मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर वो अपने पेरेंट्स के ऊपर लड़का ढूंढने की बात छोड़ दें तो घर पर कुंवारी ही बैठी रह जाऊंगी। मेरी माँ अक्सर मुझसे शादी के बारे में पूछती है। मेरे मम्मी पापा को पता है जब मैं शादी के लिए तैयार होंगी तो खुद ही कर लूंगी। वेल, शादी के लिए सोनाक्षी तैयार होंगी तो खुद ही कर लेंगी। हमें तो लगता है कि सही वक्त आ ही गया है। तभी तो गॉसिप की गलियारों में दबंग गर्ल के दुल्हन बन जाने को लेकर खबरें इतनी ज्यादा जोरों शोरों से आ रही हैं।